अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अतापुर पुलिस आउटपोस्ट हदूद के रामबाग चौराहे के करीब एक धरना मुनज़िम किया गया था। उसी दौरान हल्की सी गड़बड़ हो गई। जैसे ही पुलिस को इसकी इत्तला मिली, पुलिस ने मुकामे वारदात पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। आइए सुनते हैं डीसीपी शमशाबाद की जुबानी। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुहसिन की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना। कर्नाटक में जो बजरंग दल एक्टिविस्ट को थोड़ा जिहादी लोग मारे बोल के वो चल रहे थे, उसके बारे में ये बच्चे लोग पूरा 18 साल 16 साल 17 साल के बच्चे एक छोटा कैंडल रैली ऐसा कॉलोनी से निकाल के एनएमगुड़ा चौरसा तक आए हुए। ये बगैर इंटीमेशन के हिसाब से वो लोग रैली निकाल के वो आने के एनएमगुड़ा चौरसा पे आने के बाद एक दो बच्चे जा रहे थे बाइक पे, वो लोगों को ये लोगों के बीच में झगड़ा हुए। बातों में ये छोटा सा गलाटा हुआ। इमीडिएट अपना इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से पुलिस आए हुए स्पॉट पे, विद इन नो टाइम वी हैव रीच। वो लोग भी भाग गए। वी आर वेरीफाइंग दी फैक्ट्स। अभी यहाँ का माहौल पूरा ठीक है, कुछ भी ऐसा आशंका नहीं है, गड़बड़ की नहीं है, कोई पब्लिक का रिस्पांस भी नहीं है। अब जो हुए कुछ भी प्रोग्राम है, कौन सा भी पार्टी का हो, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोग्राम है, आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, पहला इतिला दे दीजिए। जो भी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं पहला इतिला दे दिए तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आए तो हम पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अगर वो ठीक तरीके से चलेगा। बिकॉज ये जो एरिया है बॉर्डर पे पूरा कम्युनल थोड़ा सेंसिटिव रहता है, जो पब्लिक का सेंटिमेंट्स अलग जिस्म की रहती है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी आप प्रेस पीपल है आपको भी कुछ इंटीमेशन है हमारे को पहले इन्फॉर्मेशन दे दिए तो हम बराबर बंदोबस्त के हिसाब से जो प्रोग्राम को परमिशन देते हैं। जो भी प्रोटेस्ट करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबको हक है, उसके हिसाब से हम 5 दिनों से यहीं पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते जा रहे हैं, हम पुलिस प्रोटेक्शन देते जा रहे हैं, जुलूसा निकालते जा रहे। कल भी ये कर्नाटक के हिसाब से थोड़ा लोग कैंडल रैली लगाए हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, वो भी खत्म हुआ।